हाँ जी बेटे, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये दिया हुआ है, इन ह्यूमन पिरामिड, ध्यान देना भाई, इन ह्यूमन पिरामिड इन ए सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ ए परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। द कंबाइंड मास ऑफ ऑल पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल प्लैक वट एवर इज यूज्ड इज 280 किलोग्राम। ये क्या कह रहे हैं कि कोई एक सर्कस में मान लीजिए एक चेयर के ऊपर या एक टेबल के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है, उसने अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है और यहाँ से टेबल के ऊपर ऊपर कई सारे इंसान चढ़े हुए हैं, ठीक है जी, ये ह्यूमन पिरामिड बनाया है इन्होंने। इन सब का मिला के मास 280 किलोग्राम दे रखा है और ये जो पर्सन है जो लेटा हुआ परफॉर्म कर रहा है इस एक्टिविटी को, इसका मास 60 किलोग्राम दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो थाई बोन है, थाइस के जो बोन है उन्होंने तो बैलेंस किया हुआ है ना वेट को, तो थाई बोन है उसका रेडियस कितना दे रखा है बेटे 2 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इसका खुद का मास 60 किलोग्राम है। क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड। जब उसके ऊपर जो लोड लगेगा उसकी वजह से जो थाई बोन से उसमें कंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो सिंपल बात है यंग्स मॉडुलस से आपने इसे कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है बेटे, यंग्स मॉडुलस से। थाई बोन का यंग्स मॉडुलस हमें पता होना चाहिए, थाई बोन का यंग्स मॉडुलस कितना इन्होंने यूज किया हुआ है, 9.4 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटे? तो अब हमने क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, देखिए हम दो थाई बोन मान लेते हैं, वो वाला डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, ये दो थाई बोन है, इनकी लेंथ कितनी दी हुई बेटे 50 सेंटीमीटर था, क्या था 50 सेंटीमीटर इसका लेंथ दे दिया। इसका डायमीटर है कि रेडियस क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेडियस, हाँ जी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या बना लेंगे, मीटर बना लेंगे, 10⁻²। यहाँ भी इसका क्या बना लेंगे, मीटर 50 × 10⁻²। मीटर ये आपके पास ले। अब इसमें कंप्रेशन आएगा बेटे, इसके ऊपर जो लोड है, इसके ऊपर कितना लोड है 220 × 9.8 न्यूटन। 220 किस लिए, 280 पूरा लोड था, उसमें से 60 किलोग्राम इसका खुद का मास है ना, वो तो इन थाई बोन के नीचे है, तो इसलिए वो इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो 220 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये क्या हो गया बेटे W, यानी फोर्स हो गया। अब हमने क्या करना है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू FL/A∆L। आपको क्या पूछा है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल आ जाएगा बेटे FL/AY, FL/AY। बस अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, फोर्स कितना दिया हुआ है 220 × 9.8, लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मीटर बना देंगे 1/2 बन गया, डिवाइडेड बाय एरिया पाई, क्या हुआ बेटे, हाँ जी, अरे तो 0.5 मीटर में हो गया, 1/2 0.5 ही तो है। अच्छा एक चीज मैं आप बच्चों को और अभी भी नहीं बताई, क्योंकि जो वेट है वो दोनों थाई बोन के ऊपर है ना, दोनों थाई बोन के ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों हाफ हाफ को बैलेंस कर रही है, तो 220 × 9.8 को दोनों मिलके बैलेंस कर रही है, तो एक बार और 2 से डिवाइड कर दें तो एक थाई बोन का कंप्रेशन आ जाएगा, सही है सुन रहा हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया में पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻⁴ * यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस अभी हमने देखा था 9 × 10⁻¹ था क्या, हाँ जी, वो मुझे भी नहीं दिमाग में रहा कितना है, 9 यंग्स मॉडुलस 9.4 × 10⁹, 9.4 × 10⁹, 9 है। तो बस अब आप इसे क्या कर लेंगे सोल्व, तो क्या आ जाएगा बेटे डेल्टा एल, एलोंगेशन आ जाएगा मीटर, ये एलोंगेशन एक थाई बोन का कैलकुलेट किया है हमने, दोनों में उतना ही होगा, हाँ या ना बोलो, दोनों थाई बोन एक ही मटेरियल की बनी हुई है, एक जितनी लेंथ है एक जितनी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब दोनों थाई बोन में कंप्रेशन सेम आएगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है।